नमस्कार दोस्तों, सोनिको ऑफिस सिस्टम में आपका स्वागत है। सोनिको ऑफिस सिस्टम सिंस 1989 विगत 31 वर्षों से आपकी सेवा में है। हमारी कंपनी ऑफिस स्टेशनरी एवं ऑफिस इक्विपमेंट में डील करती है। जैसे दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि पीवीसी आईडी कार्ड किस तरह से बनाए जाते हैं और इसकी लाइफ ड्यूरेबिलिटी कैसे ज्यादा हो, ये आपके लेटर ब्लर ना हो या फेड ना हो। दोस्तों, इंकजेट पीवीसी आईडी कार्ड जिस सीट पे बनता है उसे ड्रैगन सीट या पीवीसी आईडी कार्ड सीट कहा जाता है। इस पे प्रिंट करने के पहले आप एक विशेष ध्यान रखें कि प्रिंट आपको किस साइड करना है देखना पड़ेगा। एक तरफ सरफेस ग्लेज होता है, एक तरफ थोड़ा सा रफ होता है। जिस तरफ हमें प्रिंट करना है वहां पे आप पहले देखें, एक कॉर्नर पे कहीं से भी फिल्म निकाल के देखें, इसके बैक साइड में हमको प्रिंट करना होता है। दूसरा, जब इस सीट को हार्ड करना होता है तो एक ये व्हाइट कलर की सीट जो देख रहे हैं इस पे भी एक लेयर होती है, इसमें फिल्म आप अलग करेंगे, दूसरा इस सीट को रखेंगे और लेमिनेशन मशीन में चलाते हैं। दोस्तों, पीवीसी आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको कोरल या फोटोशॉप दोनों में से कोई भी एक चीज आना चाहिए, जिसपे आप ये ऐसे एक बार में एक A4 के पेपर में 10 कार्ड आप इसको सेट कर सकते हैं। दूसरा, जब आप इस पे प्रिंट की कमांड दें, यहां आप प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी में जाएं और इसे मिरर इमेज में सेट करें, प्रिंट प्रीव्यू चेक करें और कमांड दें। दोस्तों, जब आपका प्रिंट आउट आएगा, हमने क्योंकि इसे मिरर इमेज में दिया हुआ है तो ये इस तरह से उल्टा आपको प्रिंट दिखेगा, लेकिन जब आप इसे हार्ड वाली शीट पे रखेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो रखने के पहले आपको इसमें ये फिल्म लगी हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसे अलग करना होगा। यदि आपके पास बैक साइड में भी प्रिंट करना है तो बैक साइड की भी फिल्म अलग करिए। फिल्म पूरी अलग होनी चाहिए। अब इसे हम लेमिनेशन मशीन में चलाते हैं। लेमिनेशन मशीन में आप टेम्परेचर 130 या 140 डिग्री पे आप सेट करिए। जब आपकी मशीन रेडी होगी तो एक ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। जैसा कि इस पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों सीटें मेल्ट होके चिपक गई हैं। ऊपर का सरफेस आप देखेंगे तो यहाँ आपको ग्लॉसी नहीं नजर आ रहा, ये मैट नजर आ रहा है, लेकिन जब हम इसको फाइनल कटिंग करेंगे और इसके ऊपर से एक लेयर जो मैंने आपको पहले बताया था उसको अलग करेंगे तो ये ग्लॉसी सरफेस में दिखेगा।
यहाँ थोड़ा आपको ताकत लगेगा। अभी आप इसमें फर्क देख सकते हैं, आधे में मैट और आधे में ग्लॉसी दिख रहा है। ये पूरी लेयर यदि हम अलग करते हैं, ये हमारा कार्ड बनके तैयार। दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे लेटर पूरे ब्लर हो गए हैं, एक कलर भर गया है, सारे लेटर भरे हुए हैं। इसमें आप नॉर्मल इंक ना यूज करके, हमारे पास एक स्पेशल इंक होती है जिससे इसकी आपकी प्रिंट की लाइफ कम से कम 2 साल 3 साल होगी। दोस्तों इंकजेट आईडी कार्ड बनाने के लिए लोग ये नॉर्मल इंक यूज करते हैं जिससे कुछ समय के बाद इंक कार्ड में ब्लर हो जाती है या फेड हो जाती है। इसके लिए हमारी कंपनी जो है आईडी कार्ड बनाने के लिए एक स्पेशल इंक देती है जिससे इसकी लाइफ 2 से 3 साल होती है, ना ही इसमें आपके कोई कार्ड ब्लर होंगे ना फेड होंगे। इसके साथ ही आप इस इंक यूज को नॉर्मल प्रिंट आउट के में भी यूज कर सकते हैं, और यदि आप इसे आरसी फोटो पेपर में यूज करते हैं फोटो बनाने के लिए तो उसकी लाइफ कम से कम 20 साल होती है, उसमें फोटो आपकी ना फेड होगी ना ही ब्लर होगी। इसके साथ साथ यदि आप सब्लिमेशन मशीन का काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, मग या टी शर्ट पे प्रिंटिंग का काम करते हैं, तो कॉटन टी शर्ट के लिए लाइट फैब्रिक या डार्क फैब्रिक के लिए जो इंक यूज की जाती है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं।